कृषि आधारित अध्यादेशों को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक पखवाड़े से लगातार किसान, व्यापारी, खेत मजदूर वर्ग सरकार के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। वहीं विपक्षी दल भी पीछे नहीं रह रहे। कांग्रेस द्वारा सोमवार को किए गए प्रदर्शन के बाद आज आम आदमी पार्टी ने भी जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार को कॉरपोरेट घरानों की सरकार बताया। आप नेताओं ने कहा कि आज की मौजूदा केंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों को खुश करने में लगी हुई है। देश की बहुत सी सेवाएं तो पहले ही इनको सौंप चुकी हैं, अब कृषि भी इनके हवाले करने की मंशा रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिन राज्यसभा में बिल पारित करवाने के नाम पर जो कुछ भी राज्यसभा में हुआ वो केवल और केवल लोकतंत्र की हत्या थी। बिना वोटिंग और सदन में शोर शराबा कर जिस प्रकार से बिलों को पारित किया गया वो बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार ने साबित कर दिया है कि वो केवल कॉरपोरेट हाउस की सरकार है, न कि आम आदमी की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यही आम आदमी उन्हें सबक सिखाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अध्यादेश तो पारित करवा दिए, मगर आम आदमी पार्टी सरकार से मांग करती है कि सरकार एक अध्यादेश और लाए जिसमें MSP की गारंटी दी जाए। आप लोग जानते हैं सरकार ने काला कानून पास कर दिए 3 अध्यादेश, जिसका सीधा सीधा नतीजा ये होगा कि जो हमारी ज़मीनें हैं वो इनके कब्जे में हो जाएगी। जो नया धन जो उगता है वो मंडियों के अंदर, खेतों के अंदर, उन पे इनकी सीधी सीधी नज़र है, क्योंकि कॉरपोरेट कंपनीज़ ने मोदी जी के थ्रू बाकी तो सारी चीज़ों पर अपना हक जमा लिया है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने काबू में कर लिया है, अब उनका सीधा सीधा नज़र उनकी ज़मीनों के ऊपर है। तो अगर ये काले कानून इन्होंने पास ही कर दिया अब तो राज्यसभा के अंदर भी बिना वोटिंग के सीधे शोर मचवा के इन्होंने पास किए, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। इसके खिलाफ हम सारे इकट्ठे हुए, क्योंकि आज अगर किसान, व्यापारी और मजदूर इकट्ठे नहीं हुए तो हमारा भविष्य अंधकार में, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। 3 कानून उन्होंने बनाए, उनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। हम चाहते हैं भाई चलो 3 कानून बना दिए BJP ने, लेकिन MSP की गारंटी के लिए 4th अध्यादेश भी लिया हुआ है, क्या तकलीफ है जी। देखो मूझबानी बात करी है, अभी तक प्रधानमंत्री ने मूझबानी बात करी है, खट्टर साहब ने मूझबानी बात करी है, दुष्यंत ने मूझबानी बात करी है। मान लो एक दो योजना दे भी देंगे MSP, फिर खत्म कर देंगे। हमारी डिमांड है या आम आदमी पार्टी की डिमांड है कि आप एक अध्यादेश और लाओ जिसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो MSP की गारंटी चाहिए और दूसरा हमें चाहिए 1947 का जो एक्ट तोड़न लग रहे हैं भंडारण का, उसको पहले की तरह एजिटेड रखा जाए। दो मांगे हमारे किसानों की तरफ से हैं और ये ज़रूरी भी है। देखो दूसरी मांग तो आम आदमी के लिए भी है, आप जैसे पत्रकारों के लिए भी भाई साहब है। फतेहाबाद से राजेश भांभू। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।